धार जिले में पीथमपुर के पास महुगांव नगर परिषद ने हाल ही में जलकर संपत्ति कर में की गई वृद्धि के खिलाफ मंगलवार को क्षेत्रीय रहवासियों के साथ युवक कांग्रेस ने मोर्चा खोला है, जहां युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ ही क्षेत्र की जनता ने महुगांव नगर परिषद के कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन कर कार्यालय के द्वार पर मटके फोड़े और वहां पर मौजूद अधिकारियों को वृद्धि वापस लेने के लिए ज्ञापन दिया। हम आपको बता दें, महुगांव नगर परिषद द्वारा जलकर 200 रुपए लिया जाता था, जिसे हाल ही में बढ़ाकर 400 रुपए कर दिया गया है। वहीं संपत्ति में भी वृद्धि की गई है, जिसके विरोध में आज महुगांव नगर परिषद कार्यालय पर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। नगर परिषद क्षेत्र में अधिकांश लोग गरीब तबके से आते हैं, तो कई पीथमपुर में सर्विस करने वाले लोग निवासरत हैं। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। प्रशासक के रूप में आपके द्वारा रूपित यह सेवा पर आम जन के हित में नहीं, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी के समय जहां एक और महुगांव नगर परिषद क्षेत्र की जनता सामाजिक एवं आर्थिक रूप से समृद्ध न होकर अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं कर पा रही है, एवं ऐसे समय में नगर परिषद द्वारा अधिरोपित यह कर जनता पर अतिरिक्त भार के रूप में पड़ेगा व उसके सामान्य जीवन को आर्थिक रूप से प्रभावित करेगा। हम इस कर वृद्धि का विरोध दर्ज करवाते हुए आपसे तत्काल प्रभाव से बढ़ाए गए कर को वापस लेने की मांग करते हैं। कृपया इस पत्र के माध्यम से इस मांग को स्वीकार कीजिए, अन्यथा युवा कांग्रेस द्वारा कर वृद्धि के विरुद्ध जन आंदोलन किया जाएगा, जिसके सीधे सीधे जिम्मेवार आप। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।